नीलाब्जा चौधरी, डीसीपी ईस्ट, एडिशनल डीसीपी ईस्ट, एसीपी विभूतिखंड, फॉरेंसिक्स के पूरे लोग और इनकी पूरी टीम ने एक पैन इंडिया गैंग का को पकड़ा है जो गाड़ियों को चुराते हैं और उनको एक्सीडेंटल गाड़ी के चेसिस और इंजन नंबर से रिप्लेस करते हैं। ये बहुत ही साइंटिफिक वे में मैं कहूँगा इसको रिप्लेस करते हैं और फिर इसको पूरे इंडिया में बेचते रहते हैं। आज अभी तक जो पिछले दो तीन दिनों में गाड़ियाँ बरामद हुई हैं इनकी संख्या 50 है। मोस्ट ऑफ देम आर लग्जरी कार्स, आप देख सकते हैं, विच इंक्लूड्स BMW एंड स्कॉर्पियो एंड वॉट नॉट, जितनी गाड़ियाँ हैं, इनोवा, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं इसमें। और उम्मीद यह है कि जो डेटाबेस हमारे हाथ लगा है, जो जानकारी प्राप्त हुई है, 5 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक वह व्यक्ति है जो 3 मूवी में एक्टिंग कर चुका है, इज एन एक्टर और एंड अ जर्नलिस्ट सपोजिटली। जो दूसरा व्यक्ति है वह बैंकॉक में या तो होटल बना लिया है या बनाने की कोशिश में, एंड ही हैज कन्फेस्ड इसी पैसे से को यूज़ किया है ओवर द ईयर्स। इस तरह के लोग हैं, बहुत हाई प्रोफाइल इन द सेंस पैसे वाले भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनकी अभी और विस्तृत जानकारी की जा रही है। एज ऑफ नाउ यह 50 गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं जो फॉरेंसिक्स ने जांच की है। ये सभी चोरी की गाड़ियाँ हैं और हम ट्राई कर रहे हैं कि इनको कनेक्ट करने के लिए कि ये कहाँ से चोरी हुई और पूरा मोडस ऑपरेंडाई कैसे इन लोगों ने इसको ऑपरेट किया है ओवर द ईयर्स पूरे इंडिया में इस काम को करने के लिए। थैंक यू। बता दिया ओके। जो आरोपी हैं इसमें एक व्यक्ति, वह रिजवान नाम है, उसका बैंकॉक में होटल है और उसने यह पूछताछ में बताया है कि यह कार्य जो वह कई सालों से कर रहा है और उसका एक बहुत बड़ा पार्ट उसने इस होटल में लगाया है। दिस हैज़ टू बी वेरीफाइड बट एज ऑफ नाउ दिस अपीयर्स टू बी ट्रू। जो दूसरी जानकारी पूछताछ के बेसिस पे मिली है, वह दूसरा व्यक्ति जो है वह नासिर, वो एक एक्टर है और वो 3 भोजपुरी मूवीज़ में काम कर चुका है एंड पुलिस का भी रोल कर चुका है, जर्नलिस्ट भी है। इस तरह के लोग हैं जिन पर हम और आप बहुत शक नहीं करेंगे, बट देन दिस इज़ जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, बहुत इतने लार्ज स्केल पे जब चल रहा है तो लिफ्टर्स इन्वॉल्व हैं इसमें, बेचने वाले इन्वॉल्व हैं, जो रेकी करते थे और स्पॉटर्स जिनको हम कहते हैं गाड़ियों को, कि कौन सी गाड़ी पिकअप की जानी है, वह इन्वॉल्व हैं। टोटल गेम प्लान इस तरह होता था कि कोई गाड़ी एक्सीडेंट हुई, उसको इन लोगों ने कम दाम में खरीदा या जितने पे भी खरीदा, उसी तरह की, उसी कलर की, लगभग उसी मॉडल की वो गाड़ी इन्होंने कहीं से चोरी की। इसको स्पॉटर्स करते थे कि अगर इनोवा चोरी करनी है, इनोवा का एक्सीडेंट हुआ है, वाइट इनोवा का, तो वाइट इनोवा ये करेंगे। अगर BMW ब्लैक है जो आप देख रहे हैं, तो ब्लैक BMW फिर चोरी की जाती है एंड उसको पूरा चेसिस इंजन नंबर यह चेंज करते थे। एक पार्ट 2 जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वह यह है कि जब भी गाड़ी बिकी है, वह जिसकी गाड़ी ओरिजिनल ओनर जो था उससे इन्होंने खरीदा, बेचा थर्ड पार्टी को, लेकिन ये बीच में कहीं आए ही नहीं है जो पेपर्स होता, तो इन्होंने अपने को बिल्कुल सेफ कर लिया कि पार्टी ए ने पार्टी बी को बेचा, रजिस्ट्रेशन हो गया, किसी को शक भी नहीं हो सकता है, बट ये पूरा काम इन लोगों ने किसी और की गाड़ी बेच दी है उस इंजन चेसिस नंबर पर। बट वी हैव इनफ डॉक्यूमेंट्स, जब हम इस पर काम कर रहे थे तो वी हैव इंश्योर्ड कि हम इनके डॉक्यूमेंट्स बहुत सीज हो गए हैं, जिससे कि इनकी पूरी कार्यप्रणाली बहुत इत्मीनान से पता चलती है। आने वाले दिनों में इसमें भी रिकवरीज बहुत होनी चाहिए और टीम्स बहुत बढ़ाई जाएंगी। चूँकि टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, तो इसमें मैं 50,000 इनाम भी दे रहा हूँ और DG कमेंडेशन डेस्क के लिए भी रिकमेंड कर रहा हूँ। थैंक यू। देखिए, अभी मैं सिर्फ लास्ट लाइन इतना बताऊंगा कि ये गाड़ियां जो हैं ये कश्मीर भी भेजी गई हैं, ये नॉर्थ ईस्ट भी भेजी गई हैं, जो ऑपरेट करने वाले लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में भी हैं, वेस्टर्न यूपी में भी हैं, ईस्टर्न यूपी में भी हैं, बिहार में भी हैं, जेल में भी हैं, जयपुर में भी हैं,
तो दिल्ली में भी हैं। तो बार बार मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि अभी थोड़ा समय दीजिए, वी विल टेक सम टाइम मोर, सभी चीज़ अभी नहीं खोलूँगा, बट जितने चीज़ें हाथ लगी हैं और जिस पे काम चल रहा है, होपफुली हम इसमें और बड़ी मछली भी पकड़ने में कामयाब होंगे। अभी भी जो पकड़े गए हैं दे आर प्रोमिनेंट पीपल, अभी जब पकड़े जाएंगे और भी लोग बहुत नेटवर्क में आएंगे। मैं किसी भी एजेंसी के रोल पर अभी नहीं कमेंट कर सकूंगा क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। हाँ, सर्टेनली प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज जो भी थोड़ा बहुत पता चल रहा है उसकी और जांच पड़ताल भी की जाएगी। बाकी दो लोग और कौन है? वो तीन है, पांचों का दिया हुआ है प्रश्न।